क्या आपको पता है कि आप अपने किचन में बिना एक भी ड्रॉप ऑयल या मिलके 100% प्लांट बेस्ड बटर्स बना सकते हैं? साउंड्स नट्स राइट? लेट मी टेल यू, इट इवन टेस्ट्स नट्स। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे होममेड नट बटर्स बनाना सिखाएंगे जो आप 15 मिनट के अंदर अंदर बहुत इजीली बना सकते हैं। पहले हम सीखेंगे डिलिशियस पीनट बटर, फिर आलमंड बटर और फिर कोकोनट बटर। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप इन बटर्स को बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे और फिर आप सीखेंगे कि आप इन बटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और इनसे क्या क्या डिलिशियस डिशेस बना सकते हैं, इंक्लूडिंग स्मूदी बोल्स, लड्डूज और ब्राउनीज। यही नहीं, कोकोनट बटर को आप बच्चों और एथलीट्स के लिए चपाती के ऊपर भी लगा सकते हैं, घी या तेल की जगह, स्मूदी बोल्स के ऊपर टॉपिंग्स की तरह या कटे हुए खजूर में डालकर एक टेस्टी डिजर्ट की तरह। इस बटर को एंजॉय करने के अनगिनत तरीके हैं। पहले सीखते हैं पीनट बटर बनाते कैसे हैं। एक कप यानी 100 ग्राम रॉ पीनट्स यानी मूंगफली लीजिए और उनको एक बड़ी हांडी में डालकर स्प्रेड कर लें, कुछ इस तरह। अब लो फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक पीनट्स को रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने से आपके पीनट्स का नेचुरल ऑयल और आसानी से रिलीज होगा। रोस्ट करने के बाद नट्स को एक बोल में निकाल लें और थोड़ी देर बाहर ठंडा होने रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इन रोस्टेड पीनट्स को अपने मिक्सी या फूड प्रोसेसर में ट्रांसफर कर लीजिए और इनको 5 से 6 मिनट ब्लेंड कीजिए। ध्यान रखें कि आप एक बार में ब्लेंडर को सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक ही चलाएं, वरना आपका ब्लेंडर बहुत गर्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम एक हाई स्पीड ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, मगर आप अपने घर पे कोई भी मिक्सी यूज कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स का ब्रेक दीजिए। अगर आपके ब्लेंडर की वॉल्स पर मिक्सचर चिपक रहा हो तो उसे स्पैचुला या छोटे चमचे से अच्छे से स्क्रेप डाउन कर दे और फिर ब्लेंड करिए। पहले आपके पीनट्स पाउडर में कन्वर्ट होंगे। आपको लगेगा इसका बटर कैसे बनेगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा। जैसे जैसे आप ब्लेंड करते जाएंगे ये पाउडर अपना ऑयल रिलीज करेगा और धीरे धीरे ये पाउडर क्रीमी बटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। कोई भी लिक्विड डालेंगे तो आपका बटर सही तरह से नहीं बनेगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। धैर्य रखिए और ब्लेंड करते जाइए। लो, ये हो गया आपका डिलिशियस क्रीमी बटर तैयार। अगर आपको अपना पीनट बटर थोड़ा और फ्लेवर पैक्ड बनाना है तो आप ब्लेंड करते टाइम स्वाद अनुसार रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक या थोड़ा जैगरी यानी गुड़ मिक्स कर सकते हैं। फिर आप इस बटर को एक जार में निकाल लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। कितने टाइम तक स्टोर करना है, हम रेकमेंड करते हैं कि इसको भी जितना फ्रेश बनाए उतना सही, 5 से 6 दिन से ज़्यादा स्टोर ना करें। क्या आपने सोचा था कि नट बटर्स बनाना इतना आसान होगा? तो चलिए इस बात पे एक और नट बटर बनाते हैं और वो है आलमंड बटर। आलमंड बटर को बनाने के लिए 1 कप यानी 100 ग्राम बादाम ले लीजिए और उसे एक बड़ी हांडी में स्प्रेड कर लीजिए। अब लो फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक बादाम को रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद बादाम को थोड़ी देर बाहर ठंडा होने दें। फिर तो आपको बस वही प्रोसेस फॉलो करना है, बस अपने रोस्टेड बादाम मिक्सी में डालें और उसे चलाएं। पहले आपका बादाम पाउडर में कन्वर्ट होगा और फिर धीरे धीरे बटर में। अगर आपके ब्लेंडर की वॉल्स पर मिक्सचर बार बार चिपक रहा हो तो आप ब्लेंडर को बंद करिए। अब उसे कोई स्पैचुला या छोटे चमचे से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर ब्लेंड कर दीजिए। याद रखिए, ब्लेंडर को कभी बहुत गर्म ना होने दें, गर्म हो जाए तो थोड़ी देर छोड़ दें। ये हो गया आपका दूसरा डिलिशियस डेयरी फ्री क्रीमी आलमंड बटर तैयार। इसको भी जार में ट्रांसफर कर लें और फ्रिज में स्टोर करें। तो चलिए अब अपने आखिरी बटर पे बढ़ते हैं और वो है कोकोनट बटर। कोकोनट बटर को बनाने के लिए आपको ड्राई कोकोनट यानी गोला चाहिए। ये बाल वाले नारियल से नहीं बनता। सबसे पहले इस गोले के बाहरी ब्राउन लेयर को स्क्रेप कर दीजिए और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लें।
कोकोनट बटर बनाने के लिए हम कोकोनट को रोस्ट नहीं करते। अब इन टुकड़ों को हाई स्पीड मिक्सी में डाल दें। अब हम इसे कम से कम 5-7 मिनट तक ब्लेंड करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट और बटरी मिक्सचर में नहीं बदल जाता। एक बार फिर याद रखिएगा कि आपके ब्लेंडर को कंटिन्यूसली ऑन नहीं छोड़ना। पहले ये पाउडर बनेगा और फिर धीरे धीरे ये बटर में कन्वर्ट होगा। लगता है आपका क्रीमी बटर भी तैयार हो गया। आप इसे भी एक जार में डालकर फ्रिज में 5-7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे तीनों नट बटर्स, पीनट, आमंड एंड कोकोनट। अब आपके लिए कुछ बहुत एक्साइटिंग रेसिपीज जो आप इन नट बटर से सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं। पहली चीज, आप बना सकते हैं स्वीट पोटैटो ब्राउनीज। एक ब्लेंडर लीजिए और उसमें डालिए 2 कप स्टीम और मैश करा हुआ स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, आधा कप होममेड आमंड बटर, आधा कप कोकोनट पाउडर जो आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आधा कप खजूर का पेस्ट। हमने बस 6-7 खजूर को थोड़े से पानी के साथ मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। 1/4 कप गुड़ और 1/4 कप पानी और नमक स्वाद अनुसार। इन इंग्रेडिएंट्स को नापने के लिए प्लीज आप मेजरिंग कप्स और स्पून्स यूज कीजिए, तभी आपका रेसिपी का अच्छा टेस्ट आएगा। घर पे पड़े हुए चम्मच और कप्स नहीं, ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के बस घुमाइए मिक्सी, जब तक ये एकदम सॉफ्ट डो ना बन जाए। फिर इसको एक बेकिंग ट्रे में डालें और 215 डिग्रीज पर आधा घंटा बेक कर दें। और ये हो गई आपकी डिलिशियस गुई चॉकलेटी स्वीट पोटैटो ब्राउनी तैयार। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट ग्लेजिंग भी लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने सिंपली गुड़ की सिरप और कोकोनट पाउडर को मिक्सी में ब्लेंड कर लिया। अगर आप ये गेस्ट के सामने रखेंगे तो वो इससे नजर ही नहीं हटा पाएंगे। दूसरी चीज जो आप नट बटर से बना सकते हैं वो है सात्विक लड्डू। एक गोले से जितना बटर बनता है उतना ले ले, उसको एक बोल में डाल दे, साथ ही 2 टेबलस्पून आमंड बटर, 2 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून चॉप्ड बादाम और 2 टेबलस्पून ड्राई रोज पेटल भी डाल लें। फिर बस इसे मिक्स कीजिए और अपने हाथों से गोल गोल लड्डू बना लें। एक बार अगर आपने इन्हें टेस्ट कर लिया तो दिवाली की मिठाइयों से लेकर खुशियों के हर मौके पर आप इन टेस्टी न्यूट्रिशियस लड्डू को बनाना कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी चीज जो आप अपने पीनट बटर से बना सकते हैं वो है पीनट बटर आइसक्रीम। जी हाँ, 4 अच्छे से पके हुए केले ले लें जिनपे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हों, उनको पील करके काट के फ्रीजर में 6 घंटे फ्रीज होने रख दें। 6 घंटे बाद निकाल लें और मिक्सी में डाल दें। साथ ही उसमें डालें 1 टेबलस्पून पीनट बटर, 6 खजूर, आधा टेबलस्पून गुड़ का पाउडर, 1/4 कप पानी और चुटकी भर नमक। थोड़ा ब्लेंड कर दें, ज़्यादा नहीं। बस फिर अपनी डिलीशियस आइसक्रीम बोल में निकाल लें और चाहे तो थोड़े नट से टॉप कर लें। तो देखा आपने, हम इन नट बटर्स को कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। याद रखें, अपने नट बटर्स हमेशा घर पे खुद बनाएं। जैसे आपने देखा, इनको बनाना बहुत ही इजी है, 15 मिनट के अंदर अंदर बन जाते हैं। जो पैक बटर्स मार्केट से आते हैं उनमें अक्सर बहुत प्रिजर्वेटिव्स, चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल शायद आपके मन में आ रहा हो कि मैं एक दिन में करीब कितना नट बटर खा सकता हूँ। आपको नट बटर्स कितना लेना चाहिए ये पूरी तरह आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। ग्रोइंग एज तक के बच्चे, एथलीट्स और वो लोग जो मेहनत करके पसीना बहाते हैं वो आराम से करीब 1 चम्मच रोज ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका बैठने करने का काम ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप इन्हें सिर्फ ओकेजनली यूज़ कीजिए, हफ्ते में 2 बार। जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं उनके लिए ये पचाना थोड़ा हैवी होता है। और अगर आप हीलिंग स्टेज में हैं यानी आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम रिवर्स करना है तो जब तक आपकी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती इन्हें अवॉइड करें। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ क्लिक करके और एक्साइटिंग वीडियोस देखते रहिए। हम आपसे जल्द मिलेंगे।